जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी आप लोग? सारे ठीक हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। खुश बाश हो गया। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। होप सो आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग चार पोर्शन में चीज़ें पढ़ेंगे। हमारा पहला पोर्शन जो होगा वो होगा डेटाबेस के बारे में, कि डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रिलेशनशिप्स की क्या टाइप्स होती हैं। और तीसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कार्डिनलिटी डिज़ाइन या कार्डिनलिटी या इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या चीज़ होती है। ऑल दो हम रिलेशनशिप्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि जब एक या एक से ज़्यादा एंटिटी के बीच में हम लोगों को कोई एसोसिएशन बनानी हो, यानी लिंक क्रिएट करना हो, तो हम उसके लिए जो वर्ड है हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप टाइप इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर करंट डायग्राम के अंदर प्राइवेट ऑनर यानी ऑनर का रिलेशनशिप रेंट के साथ क्या है, ऑन्स का, कि ऑनर जो है वो अब रेंट को क्या करता है, ऑन करता है। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप टाइप हो गया। रिलेशनशिप अकरेंस, रिलेशनशिप अकरेंस या टाइप का मतलब होता ही यही है कि वो रिलेशनशिप जहाँ अकर हो रहा है एक एंटिटी के ऊपर। एंटिटी क्या चीज़ थी हमारी? कोई भी चीज़ जो आइडेंटिफाइडेबल हो, जिसके बारे में हम आगे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जिसका डेटाबेस के अंदर एक प्रॉपर रोल हो, वो हमारी एंटिटी है। तो रिलेशनशिप अकरेंस क्या हुआ कि उस इंडिकेट करे उस पार्टिकुलर एंटिटी की अकरेंस को दूसरों के साथ। हम ये कह सकते हैं रिलेशनशिप तब इस्तेमाल होता है जब हमें दो एंटिटी या उस एंटिटी का उस एंटिटी के साथ वर्क डिस्कस करना होता है कि वो काम क्या करेगी। जाहिर सी बात है डेटाबेस के अंदर जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है वो डेफिनेटली कोई काम होता है उसी के बेसिस के ऊपर होती है। तो हम ये कहते हैं कि रिलेशनशिप अकरेंस भी उसी को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये देखिए, हमारे पास तीन एंटिटीज़ हैं। नंबर वन पे ब्रांच, नंबर टू पे ये हमारा रिलेशनशिप हैज़, और उसके बाद है स्टाफ। ठीक है, अब ब्रांच नंबर देखें हमारे पास कौन सी है, B03003 और B007। तो हम ये कहते हैं कि ब्रांच नंबर थ्री के पास, ब्रांच नंबर थ्री हैज़ अ रिलेशनशिप विद स्टाफ नंबर 37। इसी तरह ब्रांच नंबर थ्री हैज़ अ रिलेशन विद स्टाफ नंबर 14, और ब्रांच नंबर 7 हैज़ रिलेशन विद द स्टाफ नंबर 9। तो हैज़ अ रिलेशनशिप जो है बेसिकली वो रिलेशनशिप है जो दोनों एंटिटीज ब्रांच और स्टाफ के बीच में लिंक बता रहा है, एसोसिएशन बता रहा है कि मेरी एसोसिएशन होने से दो एंटिटीज आपस में कैसे लिंक्ड हैं, वजह क्या है उनके लिंक होने की। एक और ये देखिए उसी चीज़ की एग्जांपल है, स्टाफ ब्रांच हैज स्टाफ सफदर। आज भी नहीं ना आया हुआ, चलो सफदर को बोलना ज़रा घर ही बैठेगा, मेरा पेपर देने ना आया आज के बाद। अच्छा, तो हम लोग देख रहे थे कि रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे ब्रांच का रिलेशनशिप क्या है स्टाफ के साथ, हैज़ का, ब्रांच हैज़ स्टाफ। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या हमारा हैज़ का, मतलब कि ब्रांच के पास स्टाफ है, सिंपल अगर हम बोलें तो। अच्छा, अब रिलेशनशिप सेट क्या होता है? जाहिर सी बात है जब रिलेशनशिप एक है तो रिलेशनशिप सेट क्या हुआ, एक पूरे रिलेशनशिप का सेट होना। ठीक है, अ रिलेशनशिप सेट इज द सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप। रिलेशनशिप सेट क्या होता है, रिलेशनशिप सेट क्या होता है कि रिलेशनशिप सेट जो है वो सेट है रिलेशनशिप का जो कि सेम ही टाइप्स की हों। जैसे S1 का रिलेशनशिप है C2 के साथ, इसी तरह S2 का रिलेशनशिप है C1 के साथ, और इसी तरह S3 का रिलेशनशिप है C3 के साथ। S1, 2, 3 के हैं स्टूडेंट हैं, और C1, C2, C3 क्या ये कोर्सेज हैं, और ये रिलेशनशिप क्या है कि जी स्टूडेंट ने कोर्स को पिक किया हुआ है। तो ये सेट रिप्रेजेंटेशन होगी ER डायग्राम की, नॉर्मली इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कि जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री क्या चीज़ है। द नंबर ऑफ एंटिटी सेट दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट इज टर्म्ड एज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जितनी भी एंटिटीज जो सेट हुई होती है, जो पार्टिसिपेट कर रही होती है किसी रिलेशनशिप को बनाने के लिए, हम उसको डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और रिलेशनशिप टाइप कहते हैं।
रिलेशनशिप सेट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप सेट। मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टाफ, ब्रांच और इन्वेंट्री, इसकी तीन हमारी एंटिटीज़ हैं। ये किसके साथ लिंक्ड है? ये सब के सब ब्रांच के साथ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का रिलेशनशिप जो है वो ब्रांच के साथ है। तो ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है कि नंबर ऑफ एंटिटीज़ क्या होगी, एंटिटी सेट्स हो गए जो क्या कह रही हैं रिलेशनशिप को बना रही हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के रिलेशनशिप की टाइप्स क्या होती हैं। यूनरी, बाइनरी, टेनरी और एनरी, ठीक है। कोई इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये क्या चीज़ है? बहरहाल छोड़ें, नाउ लेट मी डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। यूनरी, यूनरी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जो एक एंटिटी का अपने साथ ही हो। मिसाल के तौर पर ये एक पर्सन की एक एंटिटी है, तो मैरिड टू अ पर्सन यानी एक इंसान जो है वो एक ही इंसान से शादी करेगा। तो बेसिकली हमारे पास एंटिटी पर्सन, उसमें मेल फीमेल सब आ जाते हैं, तो एक पर्सन जो है वो एक पर्सन से शादी कर सकता है। तो इसीलिए हम इसको यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। या मिसाल के तौर पर यूनरी रिलेशनशिप इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर हम एग्जांपल देखें तो किधर हम लोग यूनरी रिलेशनशिप देखते हैं? एनी चॉइस इन योर माइंड, किसको लगता है कि यूनरी रिलेशनशिप क्या एग्जाम्पल हो सकती है? प्लीज़ ज़रा मैसेज करें। जल्दी टाइप करें। लगता किसी ने टाइप नहीं करना, सब सोए हुए हैं। यूनिटी रिलेशनशिप की क्या एक एग्जांपल हो सकती है? एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर हम लोगों के पास एक ही एंटिटी हो, तो इसकी हम एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं यूनिटी रिलेशनशिप सेट की? कि ये तो पर्सन मैरिड टू हो गया ना, या पर्सन किल्ड टू यानी इंसान अगर मारता तो वो एक इंसान को ही मारता, तो वन पर्सन इज़ मैरिड टू ओनली वन पर्सन, ठीक है। तो इस तरह वन पर्सन इज़ डिवोर्स टू ओनली वन पर्सन, अगर उस तरह की भी कंडीशन आ जाए तो हमारे पास एक ही रिलेशनशिप बनेगा। देखो उसमें एंटिटी एक है, यूनरी, इसीलिए इसको यूनरी बोलते हैं। बाइनरी, ऐसा रिलेशनशिप सेट जहाँ पर हमारे पास दो एंटिटीज़ हों और वो आपस में रिलेशनशिप बना रही हों। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है और कोर्स जो है हमारी दूसरी एंटिटी है, और दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है? इनरोल्ड इन का। तो स्टूडेंट इनरोल्ड इन कोर्स, तो हमारे पास एक ये एंटिटी होगी, दूसरी एंटिटी होगी, बीच में रिलेशनशिप है। तो जब हमारे पास दो या दो से दो एंटिटीज़ हों, उनके आपस में कोई रिलेशनशिप हो, तो हम लोग उसको स्टूडेंट यानी हम लोग उसको बाइनरी रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। टेनरी रिलेशनशिप, टेनरी रिलेशनशिप वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर तीन एंटिटीज़ आपस में रिलेट कर रही हों। जैसे एम्प्लॉयज़ वर्क इन डिपार्टमेंट और लोकेशन उसकी ये है, तो बेसिकली हमारे पास तीन एंटिटीज आ गई, एम्प्लॉय वर्क्स इन और एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट और लोकेशन। तो ये हमारी तीन एंटिटीज और तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? वर्क्स इन का, क्योंकि एम्प्लॉय वर्क्स इन लोकेशन, जाहिर सी बात है एम्प्लॉय किसी का काम भी करते हैं। एम्प्लॉय वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज वर्क इन अ डिपार्टमेंट भी करते हैं। और लोकेशन वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट यानी लोकेशन जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर ही होती है। क्वाड्रेटेरियन रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जो चार या चार से चार वेयर
थ्री तो नहीं, हम ये चार बोलेंगे, वेयर थ्री एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन, थ्री नहीं है चार होते हैं, वेयर फोर एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप सेट, जिससे हमारे पास बायर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बिड और सोलिसिटर है, तो चारों के बीच में रिलेशन क्या है अरेंज का, तो हमारे पास टोटल एंटिटीज़ कितनी है चार हैं, जब चार हो जाएंगी तो हम क्वाटिटेटिव बोलेंगे उसको, यूनरी यूनरी रिलेशनशिप वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो है वो एन हो, यानी अनलिमिटेड हो, हमें एग्जैक्ट ना पता हो कि हमारी कितनी होगी, तो हम उस तरह के रिलेशनशिप सेट को यूनरी एनरी बोलेंगे। रिकर्सिव रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो दोबारा आपके पास ही आता हो, उसी के उसी एंटिटी के पास वापस आए, जैसे ये देखें स्टाफ है सुपरवाइज क्या है स्टाफ, जाहिर सी बात है जिस तरह आपकी पूरी क्लास का सी आर है, तो देखो क्लास सी आर फ्रॉम क्लास, ठीक है, तो क्लास के अंदर से ही एक रिलेशनशिप निकला है सी आर का और वो दोबारा वापस आ रहा है। यहाँ पे एग्जांपल क्या, स्टाफ सुपरवाइजर सुपरवाइज स्टार, यानी स्टाफ जो होगा उसी के अंदर से हम एक सुपरवाइजर निकालेंगे जो क्या करेगा पूरे स्टाफ को सुपरवाइज करेगा, ठीक है। रिलेशनशिप के बेशुमार नाम हो सकते हैं लेकिन हम लोगों को वो नाम रखने होते हैं जो एग्जैक्ट उस चीज़ को यानी सूट करते हो, ठीक है। रोज़ के जो नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप में, जो बताते हैं कि बेसिकली क्या काम हो रहा है, जैसे सुपरवाइज स्टाफ है तो सुपरवाइजर्स ही लफ्ज़ लिखेंगे ताकि पता चले कि ये इस चीज़ के साथ लिंक्ड है। मुझे बताएं आप लोगों को समझ भी लग रही है, ये कोई नहीं लग रही, अकील को तो समझ लग रही है। मुकद्दस सर जी, मुझे वो टेनरी वाला वो जो ट्रिपल रिलेशनशिप नहीं है टेनरी, जब वो हम जब हमारे पास चार एंटिटीज होती हैं और उनका आपस में हम लिंक करते हैं, तो उस सूरत में हम जो रिलेशनशिप बनाते हैं हम उसको कहते हैं कि टेनरी रिलेशनशिप है। टेनरी रिलेशनशिप में क्या, मिसाल के तौर पे किस तरह, देखो स्टूडेंट एक, फैकल्टी दो, कोऑर्डिनेटर तीन और पेरेंट्स चार। सपोज करो कि सीएमएस के अंदर हमारे पास चार एंटिटीज हैं, चार लोग हैं जो सीएमएस को यूज़ करेंगे, ठीक है। टेनरी है ना, क्वार्टरी में फोर होगा, टेनरी में आई थिंक सो थ्री होगा, हाँ। तो ये आपस में अगर मैनेज इसका रिलेशनशिप हो, ठहरो मैं दिखाता हूँ, ये देखो स्टूडेंट, सॉरी मैं इसमें अभी शेप सही नहीं बना रहा, स्टूडेंट एक हो गया, टीचर, कोऑर्डिनेटर यानी जो सीएमएस को भी कॉलेज की तरफ से कर रहा होता है, उसमें बीच में डिसीजन डालना पड़ेगा, ये देखो ये हो गया, इस तरह का देखो, ये देखें जब हमारे पास तीन एंटिटीज हों और आपस में इंटरलिंक्ड और कोई रिलेशनशिप हो, तो बेसिकली हम इसको टेनरी बोलते हैं। अब आप लोगों को समझ लग गई होगी, जैसे स्टूडेंट टीचर मैनेजर प्रिंसिपल, ये सीएमएस को मैनेज करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की जब हमारे पास तीन एंटिटीज होती हैं तो हम ये कहते हैं कि वो टेनरी में आता है, समझ लग रही होगी आई थिंक सो। अब तो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट पे और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, ऐसी सब कंस्ट्रेंट्स जो कि दिस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस डेट कैन ईच एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन, एंड समटाइम कॉल्ड मिनिमम कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट उस कंस्ट्रेंट को कहते हैं जो बेसिकली हम ये कहते हैं कि एक एंटिटी के साथ मिनिमम रिलेशनशिप रिक्वायर्ड होता है किसी के साथ। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये हमारे पास सपोज करें एक एंटिटी है, एंटिटी किसकी है
मिसाल के तौर पर टीचर की है। अब जाहिर सी बात है टीचर के कुछ रिलेशनशिप जो होंगे वो प्रिंसिपल के साथ भी होंगे, टीचर के कुछ रिलेशनशिप सीएमएस के साथ भी होंगे, टीचर के कुछ रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ भी होंगे, कुछ रिलेशनशिप जो है वो स्टाफ के साथ भी होंगे। लेकिन हम लोगों ने कार्डिनेटी कंस्ट्रेंट के अंदर ये देखना होता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड जो हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं ना किसी भी एंटिटी को चलाने के लिए वो हम लिखते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर 5 है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 3 रखते हैं, और वो भी कौन से 3 सिलेक्ट करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से टीचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कार्डिनेलिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या होता है, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट होते हैं जिसमें हमारे पास इसमें भी ये चीज़ है कि मिनिमम रिलेशनशिप जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हम पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट को देखते हैं किस तरह की होती है। एक होती है पार्शियल पार्टिसिपेशन, एक होती है टोटल पार्टिसिपेशन। ये हम पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। देखो ज़रा पार्शियल का लफ्ज़ होता है आधा, पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ, आधी पार्टिसिपेशन कहते हैं पार्टिसिपेट करना किसी चीज़ के अंदर। लफ्ज़ी मतलब समझने की कोशिश करो, पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब ये हो गया कि मिनिमम रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें पार्शल प्रोफेसर गाइड स्टूडेंट, तो इसमें एक प्रोफेसर जो है वो गाइड कर रहा है ज़्यादा स्टूडेंट्स को, तो इसमें प्रोफेसर क्या हुआ पार्शल पार्टिसिपेशन हुई, क्योंकि वो एक प्रोफेसर भी काम कर सकता है लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे एन होंगे यानी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन है। पार्शल पार्टिसिपेशन को हम लाइन से शो करते हैं और टोटल पार्टिसिपेशन को हम लोग डबल लाइन के थ्रू शो करते हैं। नॉर्मली जो हमारी टोटल पार्टिसिपेशन होती है वो एन के साथ आती है, और वन के साथ हमेशा हमारी जो होती है पार्शल पार्टिसिपेशन होती है। ये मैंने जब भी आपको बात बताई कि पार्शल पार्टिसिपेशन में एक लाइन होती है, टोटल पार्टिसिपेशन के अंदर डबल लाइन्स होती हैं। अभी ये देखते हैं पार्शल टोटल पार्टिसिपेशन। प्रोफेसर में मैनेजर डिपार्टमेंट, प्रोफेसर जो है वो डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है, डैट इज़ कॉल्ड पार्शल पार्टिसिपेशन। बट डिपार्टमेंट मस्ट बी मैनेज बाय द प्रोफेसर विच इज़ टोटल पार्टिसिपेशन। देखो प्रोफेसर मैनेजेस डिपार्टमेंट, अगर प्रोफेसर ये ना चाहे तो तब भी डिपार्टमेंट को कोई ना कोई मैनेज कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं प्रोफेसर में मैनेज द डिपार्टमेंट, तो ये पार्शल पार्टिसिपेशन हुई। पार्शल क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कोई और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, बट डिपार्टमेंट मस्ट बी मैनेज बाय एनी प्रोफेसर, इसीलिए हम इसको टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कस्टमर मेक्स एन ऑर्डर, तो एक कस्टमर अगर नहीं भी होगा तो बाकी कस्टमर मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो कस्टमर का रिलेशनशिप जो ऑर्डर के साथ है वो पार्शल है, लेकिन ऑर्डर्स शुड बी मेड फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है, तो वो हमारी फुल पार्टिसिपेशन होगी, टोटल पार्टिसिपेशन होगी वहाँ पे, ठीक है। जो हमारी टोटल पार्टिसिपेशन होती है हम उसको एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर देखते थे, ये एम्प्लॉयज़ हमारे पास E1, E2, E3, ये मैनेजेस डिपार्टमेंट है, तो इसमें देखो लो एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय अगर एक ना भी होता तब भी डिपार्टमेंट मैनेज हो जाता है, तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट से पार्शल पार्टिसिपेशन है, बट डिपार्टमेंट शुड बी मैनेज बाय द एम्प्लॉय, ये फुल पार्टिसिपेशन टोटल पार्टिसिपेशन है, फुली रिलाय कर रहा है, जब तक रिलेशनशिप नहीं बनेगा काम नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको टोटल पार्टिसिपेशन के अंदर ऐड करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं अंडरस्टैंड करने वाली। ये लास्ट चीज़ है जो आज हम पढ़ेंगे, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट बेसिकली वो रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं हम, जिसकी वजह से हम लोग जो हमारे पास डाटा आता है ना हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या चेक करता है कि डाटा इंसर्शन से, अपडेशन से या प्रोसेस करने से डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो इफेक्ट ना हो, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा या डाटा का जो इंटीग्रेशन का सिस्टम होता है वो इफेक्ट ना हो। बस फिर यही जो हमारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों को कोई एक्सीडेंटल डैमेज ना हो हमारे डेटाबेस को। अच्छा जी, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की 4 टाइप्स होती हैं, बहुत ईजी हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेशनल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट। डोमेन को देखते हैं,
डोमेन का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने डेटा टाइप रखी हुई है, जो वैल्यूज हम लोगों ने सेट ऑफ रूल्स रखे हुए हैं किसी एक टेबल को ऐड करने के लिए, हम लोगों को वही चीज़ रखी हुई है, इसके अंदर कोई और नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर आप इस करंट टेबल के अंदर देखें, अगर आप एज जो है बेसिकली हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप ली हुई है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग 1004 में आए मॉर्गन के लिए तो हमने एज ए लिखी है। तो ये हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट है। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जो रूल हम लोगों ने रखा हुआ है वैल्यूज को ऐड करने के लिए, उसी रूल्स को यूज़ करते हुए हम लोग, यानी जो एट्रीब्यूट है ना, ये एट्रीब्यूट को ऐड करने के लिए जो रूल हम लोगों ने रखा है उसी रूल को फॉलो करना। एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, बेसिकली एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होता है उसका जो लिंक होता है वही होता है कि प्राइमरी की कभी नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी एम्प्लॉय आईडी या रोल नंबर या जो भी कोई चीज़ होगी वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट ये चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पर एक हम लोगों का जो टेबल था उसकी जो ये की है डी अंडरस्कोर नंबर, सॉरी ये जो डी अंडरस्कोर नंबर है ये हमारी प्राइमरी की है इस टेबल में, खैर हाँ, तो हम लोग ये कहते हैं कि जब वो दूसरे टेबल में भी जाए तो वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 11, 24 और 13, ये देखो मेरा माउस, जब हम इस टेबल में आके इस कैंडिडेट की को एज अ फॉरेन की बनाया तो 11 तो है, 18 भी है, 13 भी है, लेकिन 18 वो है जो हमारे ओरिजिनल टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये यहाँ पर आके मसला कर देगा। तो इस तरह के हम लोग जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, देखो हम लोगों ने सेमेस्टर्स के टेबल बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आठवें सेमेस्टर तक। मैं पहले सेमेस्टर के अंदर शाहजेब का रोल नंबर ऐड करता हूँ, दूसरे में नहीं करता, तो क्या होगा, मेरा कंप्यूटर एरर देगा ना, बोलेगा जी शाहजेब नाम का तो बंदा इन्वॉल्व भी नहीं है इसके अंदर, तो तुमने पिछले टेबल में क्यों इन्वॉल्व किया। इस तरह के जो एरर होते हैं हम इसको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। की कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट बेसिकली ये कहता है कि जो एंटिटी का जो हमारा जो प्राइमरी सेट है उसके अंदर मल्टीपल कीज नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये 100 फिर 1001 1002 1003 फिर दोबारा 1002, जबकि की कंस्ट्रेंट में हम लोगों ने चीज़ फाइनल की है कि हम लोगों का जो की एट्रीब्यूट होगा या की प्राइमरी की होगी वो कभी भी रिपीटेड नहीं होगी, वो यूनिक होगी, और 1002 तो रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं हम उनको की कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने तीन चीज़ें कवर की हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है रिलेशनशिप क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप की टाइप्स देखी जिसमें हमने पढ़ा यूनरी, यानी अगर एक का रिलेशनशिप एक में ही हो, उसके बाद हमने बाइनरी पढ़ा यानी दो एंटिटीज हो उनके बीच रिलेशनशिप हो, उसके बाद हमने टेनरी पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि ये तीन एंटिटीज और उनके आपस में रिलेशनशिप के लिए होता है, उसके बाद हम लोगों ने क्वार्टरनरी पढ़ा जिसमें हमने बोला कि चार एंटिटीज और उनका आपस में रिलेशनशिप हो, और उसके बाद हम लोगों ने एनरी यानी ए सॉरी एन और डैश डाल के ए आर वाई रिलेशनशिप पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एंटिटीज एन हो यानी नंबर ऑफ एंटिटीज एन हो बहुत ज़्यादा हो तो हम उसके लिए फिर जो है ये वाली टाइप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट पढ़ा, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट और दूसरा होता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शल पार्टिसिपेशन। पार्शल पार्टिसिपेशन वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पर उसके बगैर भी हम लोग या अगर ना भी हो तो वो चीज़ मैनेज हो सकती है उस चीज़ के बगैर, लेकिन टोटल पार्टिसिपेशन ये होती है कि उसके बगैर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद हम लोगों ने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट पढ़े, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर हम लोगों ने उसकी पांच टाइप्स पढ़ी हैं, मुझे ज़बानी याद नहीं है, इसे खोलना पड़ेगा। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में हमने डोमेन कंस्ट्रेंट पढ़ा, डोमेन कंस्ट्रेंट में बोला कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी एट्रीब्यूट के लिए हम लोगों ने वही रखने पड़ते हैं। इसी तरह से हमने बोला कि एज के अंदर ए नहीं आ सकता क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप रखी हुई है। हम लोगों ने एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट पढ़ा जिसमें हमने बोला कि जो हमारी प्राइमरी की होगी वो कभी नल नहीं हो सकती। हम लोगों ने बोला रेफरेंशियल ये चीज़ होती है कि जो हम लोगों की दूसरे टेबल में जाके हम लोग प्राइमरी की को इस्तेमाल करते हैं जो वहाँ पर फॉरेन की बिहेव कर रही होती है वो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे 18 सॉरी मौजूद नहीं था दूसरे टेबल में। की कंस्ट्रेंट में ये होता है कि जो हमारी कीज़ होती हैं यूनिक कीज़ होती हैं यूनिक एट्रीब्यूट होता है वो रिपीटेड में नहीं आना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ ले। जी जल्दी। जल्दी टाइप करें प्लीज़। आप लोग पता नहीं क्यों सारे सोए होते हो, इतना लेट मैसेज करते हो सारे। अकेले मुझे आपकी समझ नहीं लगी, कुछ कहना चाह रहे हो? ओके ओके। ये सफदर की टोटल अटेंडेंस जो मेरे पास पड़ी है 28% है, और मुझे नहीं लगता कि वो लड़का बैठ सकेगा पेपरों में। मेरी तरह से माजरत कर देना, मैं इसकी सिस्टर को भी इन्फॉर्म करूँगा। चले मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मैंने आज कॉलेज के अंदर भी प्रेजेंटेशन अटेंड की हैं। फेसबुक पेज पे जाके चेक कीजिएगा, बच्चों का डिफेंस हुआ है, मैंने लाइव आया हुआ था वहाँ पर। तो मेरी तबीयत थोड़ी अब ख़राब हो रही है ऐसा ऐसा, तो मुझे सोना है।